आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के सहारनपुर प्रभारी अयूबुल्ला खान ने की समीक्षा बैठक, कहा संगठन मजबूत है, बस चुनाव का जनता कर रही है इंतजार। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव व अधिवक्ता अयूबुल्ला खान आज जिले में पहुंचे, जहां पर पार्टी के अधिवक्ता व कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि हमें अब बूथ मजबूत करके बूथ स्तर पर जनता से मिलकर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी सरकार में किए गए विकास कार्यों को जनता को याद दिलाना होगा, क्योंकि अब जनता प्रदेश की भाजपा सरकार से तंग आ चुकी है, जहां डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों का तेल सहित दैनिक वस्तुएं की महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। बस जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। भाजपा ने सिर्फ झूठे वादे करके सत्ता में आई है और जनता को जो सपने दिखाए थे वह पूरा करने में नाकाम साबित हो रही है। इस मौके पर विवेक कुमार, सोएब अहमद व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सोएब खान की रिपोर्ट। मकसद है विवेक साहब, आप जानते हैं कि ये सहारनपुर जिले में हम सहारनपुर जिले के प्रभारी जुल्फिकार साहब के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और सहारनपुर जिले के अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष कुंडीर साहब हैं और नगर अध्यक्ष गुप्ता जी हैं, दीगर पदाधिकारीगण हैं। ये संगठन को मजबूत करने के संबंध में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग निकले हुए हैं। हमारा अगला पड़ाव मेरठ है, मेरठ के बाद बुलंदशहर है। संगठन में अधिवक्ता सभा का जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है उसका अहम रोल हुआ करता है, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, क्योंकि संविधान का ज्ञाता होता है अधिवक्ता और संविधान को हमें अब बचाए रखना है, उसी लाइन पे चलना है। इसी के जागरूक करने के लिए हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं सहारनपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया सोएब साहब आपका भी और विवेक साहब आपका भी, धन्यवाद।